एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी विद डॉक्टर पुनीता सोनी। दोस्तों, एक्यूट इन्फेक्शंस के बाद हमारे ब्लड का WBC काउंट यानी व्हाइट ब्लड सेल काउंट यूजुअली लो हो जाता है। ऐसा ही कोविड के केसेस में देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। WBC काउंट कम होने के अपने बहुत सारे और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आज बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जिसे एंटीबायोटिक ऑफ होम्योपैथी के नाम से ही जाना जाता है, और एक और मेडिसिन जिसे एंटीवायरल मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी के नाम से बहुत ज्यादा मशहूरी प्राप्त है। ये दोनों दवाइयाँ WBC काउंट को इंक्रीज करने के लिए और साथ के साथ आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए यूजफुल एंड मोस्ट यूजफुल मेडिसिन हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, इसे अंत तक जरूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। आइए बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड के टाइम पर खासकर ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि ड्यूरिंग कोविड एज वेल एज पोस्ट कोविड WBC काउंट ब्लड में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। जब WBC सेल्स रिड्यूस होते हैं उस सिचुएशंस को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स हैं क्या बेसिकली? हमारे शरीर में जब भी कोई पैथोजन यानी बैक्टीरिया, फंगस या वायरस एंट्री लेता है तो ब्लड उनसे लड़ने के लिए फाइटर मैन या पुलिस मैन प्रोड्यूस करता है, और वो काम व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs करते हैं। जब ये कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी और हम ज्यादा प्रोन हो जाएंगे इन्फेक्शंस के। आज जो मैं पहली मेडिसिन आपको बता रही हूँ उसे एंटीबायोटिक ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है। इस मेडिसिन का नाम है एचिनेशिया परप्यूरिया। आइए आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स के बारे में बताती हूँ। एचिनेशिया WBCs पर बहुत ही अच्छा काम करती है और ब्लड पर भी इसका बहुत शानदार एक्शन है, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती है, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है। इम्यून सिस्टम को इंक्रीज और एनहांस करती है, इसलिए इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन अप करेगी। यदि बार बार खून में इन्फेक्शन होने की वजह से फोड़े फुंसियां या बॉयल्स निकल जाते हो उन सिचुएशंस में भी एचिनेशिया बहुत अच्छा काम करती है। हाई फीवर्स जैसे कि मलेरिया, खासकर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला, एंड साथ ही साथ टाइफॉइड विद डायरिया, इन सिचुएशंस में भी एचिनेशिया का बहुत शानदार रोल है। जब भी ब्लड काउंट आपका डिस्टर्ब हो जाए, और खासकर बच्चों के केस में जब उनकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाए, बार बार बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके खून को साफ करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। उस सिचुएशन में हम एचिनेशिया का मदर टिंचर देते हैं और बहुत ही शानदार काम करता है ये मदर टिंचर। क्योंकि इसे होम्योपैथी के एंटीबायोटिक कहा गया है तो ये हर तरह के इन्फेक्शन को फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होती है। मैंने आपको कुछ जनरल सिम्टम्स बताए हैं एचिनेशिया के बारे में, तो ये तो क्लियर हो ही गया है कि खून को साफ करने की और बैक्टीरियाज एंड वायरसेस से फाइट करने की ये बहुत ही शानदार दवाई है होम्योपैथी की। मदर टिंचर फॉर्म में इसको लिया जाता है। अभी आगे वीडियो में आपको लेने का तरीका भी बताती हूँ। इस अभी सिचुएशन जो कोविड की चल रही है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि WBC काउंट को एट पार रखा जाए। अगर कम हो जाएंगे WBC काउंट तो हमारी फाइटिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे मैं एक ऐसी दवाई की बात करूंगी जो शायद घर घर में मौजूद है अपनी रॉ फॉर्म में, और हम में से बहुत लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। होम्योपैथी में इसे बेस्ट एंटीवायरल मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, और ये बनाई जाती है तुलसी से। हाँ जी, और इसका नाम है ऑसिमम सैंक्टम। ये जो दवा है दोस्तों, वो खांसी, कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, फीवर, इन सब में बहुत ही शानदार काम करती है। मोस्टली ये सारे इन्फेक्शन वायरसेस से होते हैं, और इसी के साथ साथ कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी ऑसिमम का बहुत ही शानदार रोल है। अभी जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि ऑसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी से बनी हुई ये दवाई आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में भी बहुत ही शानदार रोल प्ले करेगी। ऑसिमम का बहुत ही शानदार रोल कैंसर में, जब कीमोथेरेपी हो रही होती है और WBC काउंट रिड्यूस हो जाता है, तब भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, अब हमारे पास दो दवाइयां हैं, एचिनेशिया परप्यूरिया का मदर टिंचर एंड ऑसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर। मेरी एडवाइस ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, WBC काउंट को इंक्रीज करने के लिए हम सबको ये दवाइयां रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करनी चाहिए। कंज्यूम कैसे करनी है? 5-5 ड्रॉप्स दोनों मदर टिंचर्स की आधा कप नॉर्मल वाटर में मिला के सुबह और रात दो बार डेली कंज्यूम करनी है। खासकर यदि आप कोविड से सफर कर रहे हैं या पोस्ट कोविड की सिचुएशन है और WBC काउंट कम आया है रिपोर्ट्स में, तब ये दोनों दवाइयां जरूर कंज्यूम कीजिए। आपको WBC काउंट में बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आगे कोविड ना हो उससे बचने के लिए एज प्रिवेंटिव भी इनको लिया जा सकता है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। ये दोनों दवाइयां हमारे पास में उपलब्ध है, आप ऑर्डर करके हमसे मंगवाइए, आपके डोर स्टेप तक ये दवाइयां पहुंचा दी जाएंगी।
आज की ये वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। आगे आप किन वीडियोस या किन टॉपिक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दें, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। योर फीडबैक विल बी वेरी वैल्यूएबल। जल्दी ही मिलते हैं और ऐसी बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर